चुका है जब भी हम खड़े हैं विलिंगसन डैम। हमारा जेट प्लेन के ऊपर चढ़ गए अभी हम। अकेले हो तो भी डर लग सकता है। यो ब्रो यो, यही जिंदगी है, यही जीना है हमको। एक्सप्लोरिंग हेलो गाइस, वेलकम बैक वेलकम टू अवर YouTube चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक डैम विलिंगसन डैम, विलिंगसन डैम देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी बजे शाम के 5, तो अभी चलते हैं विलिंगसन डैम। और ये गिरनार का माल है, सब गिरना चढ़ के आए थे हम लोग, इसका माल लकड़ी है। अभी चलते हैं विलिंगसन डैम और आपको दिखाते हैं विलिंगसन डैम। और अभी मौसम बहुत सुहाना हो चुका है, बादल है। छाते तो ले लो यार, अपने छाते यार, छाते ले लो भाई, छाते ले लो भाई, दोनों छाते ले लो। ओके तो अभी चलते हैं। आप देख सकते हो जा रहे हमारे रात के रोने, ये जय संघाणी। और ये देख सकते हो आप लोग, और ये है हमारा सफर। सफर ऐसा है, ये सफर ऐसा है, ये सफर ऐसा है। सो गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। वाह क्या सीन है। देख के खड़े रह के पीछे, कहाँ जा रहे हो बता दो भाई। हम जा रहे हैं विलिंगसन डैम। तो कहा इसमें जा रहे हैं, तो हमने प्राइवेट जेट बुक किया था, और काट मेरे जो कि वो भाई हमारा प्राइवेट जेट है, मैं उसमें लटक रहा हूँ पीछे से, आप देख सकते हैं। और मैं भी कॉर्नर पे बैठा हूँ, यहाँ पे ये दो पायलट तरीके नील है, यहाँ पे दो बंदे की जगह इस बंदे ने रोक ली है। और ये हमारी प्राइवेट जेट है जो कि हमने 20 रुपए में बुक की थी। ये बंदा बैठा इसलिए प्राइवेट जेट हो, टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, ये हर्ष बैठा ऐसे चल रही है, ऐसे मैं तो ऐसे बैठा हूँ ऐसे। तो 20 रुपए में हमने प्राइवेट जेट बुक की थी यहाँ से, तरेटी से, जूनागढ़ की तरेटी से हमको विलिंगसन डैम ले जाने के तक। और उसका डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर जैसा है। तो अभी चलते विलिंगसन डैम, विलिंगसन डैम। हेलो, पेची डाउल जी सी एक कहानी है, गम में वो भीगी पर फिर मुस्कुराती। कभी कोई आता कभी कोई जाता है, ना जाने कितने कर्जे ये चुकाता। गाइस अभी हम खड़े हैं विलिंगसन डैम, जो कि आप मेरे पीछे बहुत ही बढ़िया नजारा देख चुके हैं। और ये डैम भाई नेचर इस डैम का बहुत बढ़िया है। हम शाम के समय आए, ये व्यू देखे गए, पीछे का व्यू देख लिया, एक नंबर, पीछे को बोले तो एक नंबर व्यू है। और इधर डैम है, और उधर आप पर्वत देख सकते हो, और वो वर्ल्ड व्यू भी दिखाई है भाई। वहाँ पे बादल ही बादल, और अभी बारिश का थोड़ा सीजन चल रहा है, तो व्यू यहाँ पे एक नंबर मिलते हैं। इसकी कोई कॉस्ट वोस्ट तो है नहीं, फ्री में आप आ सकते हैं, फ्री में आ सकते हैं। जूनागढ़ से 6 किलोमीटर है सिटी से, और व्यू एक नंबर आता है गाइस। आपको नेचर का फुल एंजॉयमेंट करना हो ना, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। चलो तो मिलते हैं आगे। कभी बोलती है ये, कभी छुपाती, हजारों ख्वाहिशें ये रोज जलाती, कभी चलते चल। सो गाइस मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, ये विलिंगसन डैम है, और उसके सामने आपको गिरनार का दृश्य देखने को मिलता है। तो ये सब गिरिमाला है। और हम राइट साइड भी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे वो डैम का वो पानी गिर रहा है नीचे, आप देख सकते हो। और फिर वहाँ पे सामने आप देख सकते हो, तो वहाँ पे भी गिरिमाला की पर्वत मारा है, और वहाँ पे देखिए बादल आपको कैसे दिख रहे हैं। तो ये नेचर के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे आने के लिए, और इसकी कोई कॉस्ट तो है नहीं वैसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये लगभग जूनागढ़ से 6 किलोमीटर यहाँ से होता है, और ये पूरा जंगल इलाका है। आपको शेर भी देखने को कभी कभी मिल सकते हो,
और यहाँ पे आपको फोटो खींचना हो, नेचर का आनंद मानना हो तो यहाँ पे आप आ सकते। ये भटकाती कभी भटके को ये राह दे। सो गाइस, तो अभी हमने कौन सा डैम था जय भाई, हम विलिंगसम डैम देख लिया है, तो कैसा लगा भाई आपको? अरे बहुत अच्छा लगा, यहाँ कुदरत के यहाँ जो पिक्स आते हैं ना वो एकदम बढ़िया वाले पिक्स आते हैं। यहाँ पे आपको या तो सुबह आना चाहिए मॉर्निंग पे सनराइज पे, या तो सनसेट पे आना चाहिए, बहुत बढ़िया सा नेचर का लुक देखने को मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, और अभी बजे शाम के 7, अभी चलते हैं वापस, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। आप नेचर का नेचर लवर है वो यहाँ पे जरूर जरूर आए, कि कॉस्ट बोस्ट तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे प्राणी भी देखने को मिलते हैं, बंदर तो बहुत ही देखने, बंदर है, शेर, कभी कभार आपको शेर भी देखने को मिलता है, लेपर्ड भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं वापस, तो लेट्स गो, आपको दिखा था कि क्या होता क्या नहीं। सहेल भाई इंजॉइंग है, इंजॉइंग फुल इंजॉइंग हो ब्रो। इस बार गिरनर कैसे एक्सप्लोर किया हमने भाई? गिरनर इस बार सही से एक्सप्लोर किया, सही से ना, सही से, बहुत सही से। अभी तो कल बहुत ही मजा आने वाला है, और बारिश होगी तो एक नंबर लोग आपको देखने को मिलेगा। तो अभी चलते आगे, आपको देखने को मिलेगा सब कुछ, भगवान से प्रार्थना करते कि बारिश होकर। ये है विलिंगडन डैम गाइस, देख सकते हो ये डैम है, और पीछे गिरनर की पर्वतमाला है, और अभी सनसेट हो रहा है, और हमारे बंदे यहाँ पे खड़े हैं। सनसेट कैसा एंजॉय किया भाई? बहुत ही बढ़िया सा था, सनसेट देखने हो तो यहाँ पे आना चाहिए एक बार आपको लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी चलते हैं आगे, चलो। खाती को ताकी कोई लॉ है जो चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती। गाइस आप ये डैम घूमने के लिए आए तो तब आपको ये जंगल में से आपको आना पड़ेगा है। कैसा लग रहा है भाई जंगल में से आने के बाद? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ सब डैम का लुक देख सकते हो, और ये जंगल का पूरा माहौल है भाई, एक नंबर व्यू आता है यहाँ से। क्या कहेंगे साहिल भाई आप जंगल के माहौल? यहाँ ब्रो एक नंबर व्यू, जो कि यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने का 3 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, वो भी ऐसा डेंजर है का अकेले हो तो भी डर लग सकता है, तो क्योंकि शेर का डर तो हमेशा यहाँ गिरनार में रहेगा ही रहेगा। शेर का तो लगता है, लेकिन वो बीच का जो रास्ता है वो इतना सुनसान है कि अकेले जाओ तो डर जाती है। तो गाइस देख सकते हैं पूरा जंगल है यहाँ से, पूरा जंगल, अपने रास्ते में भी देखा होगा क्या कौन कैसा जंगल है वो। चलते चलते अभी आगे, रिक्शा को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है यहाँ क्योंकि अभी हम कार लेके नहीं आते, हमारे यहाँ प्राइवेट जेट को ढूंढना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ लैंडिंग और जो उड़ान नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पे उड़ान और लैंडिंग की जो है ना वो जमीन नहीं है, आसपास गिरना है ना, इसलिए हम हमारा प्राइवेट जेट नहीं लेके आए साहिल भाई का। नहीं भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है। अभी चलते आगे, तो गाइस देखते हैं अब हम लोग रिक्शा पे माथे चढ़ गए हैं, रिक्शा के ऊपर अभी हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ की जंगल की मौज लेते हुए। अच्छा एंजॉय, यही जिंदगी है, यही जीना है हमको, यही जिंदगी है, यही जीना है हमको। हमारा जेट प्लेन के ऊपर चढ़ गए अभी हम। जिंदगी यूं है के चलती ही जाती है, जिंदगी यूं है के चलती ही जाती है। यो ब्रो यो, आप देख सकते हैं ये दोनों रिक्शा के ऊपर बैठे हैं। यो ब्रो यो, यही जिंदगी है एक्सप्लोरिंग, दिस इज फॉर मजा। कैसा लग रहा है? बहुत ही मजा, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी गेट आ चुका है, सो गाइस गेट आ चुका है, तो आप देख सकते हैं हम लोग नीचे उतर जाएंगे, हम लोग नीचे उतर जाएंगे, चलो।